अच्छी बातें पढ़ने और सुनने से लाभ नहीं मिलता, अच्छी बातों को जीवन में उतारना पड़ता है। खाली उपदेश देने से कुछ नहीं होता है। आप लोग क्या करते हो, उपदेश देते हो? यार आपको धैर्य रखना चाहिए यार। आप लोग क्या करते हो, किसी को उपदेश देते हो? अरे यार तुमको धैर्य रखना चाहिए यार, तुमको गुस्सा नहीं करना चाहिए यार, तुमको ईमानदार रहना चाहिए यार, तुमको किसी के प्रति छल कपट नहीं करना चाहिए। उपदेश देना तो अच्छा है। ये सब बातें पहले खुद के ऊपर तो फॉलो करें, फिर दूसरों को उपदेश दें। महाभारत में एक छोटी सी कहानी है, अभी आप देखेंगे कि कैसे अच्छी चीजों को अपने आप में उतारना चाहिए। पांडवों और कौरवों के गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य। जब वो छोटे थे तो उनकी शिक्षा चल रही थी, तो गुरु द्रोण सबको एक पाठ देते हैं याद करने के लिए, सत्य नाम का पाठ। गुरु द्रोण कहते हैं कि सभी इस पाठ को याद करके आना और आत्मसात करके आना। क्या कहते हैं, याद भी करना है आत्मसात भी करना। आत्मसात का मतलब अपने अंदर उतारना है, सिर्फ याद नहीं करना है। तो दूसरे दिन पांडव और कौरव सभी वो पाठ याद करके लाते हैं और गुरु द्रोण को सुना देते हैं। लेकिन युधिष्ठिर वो पाठ याद नहीं कर पाते। वो गुरुदेव को कहते हैं कि गुरुदेव मुझे पाठ याद नहीं हुआ। गुरुदेव को आश्चर्य होता है कि यार युधिष्ठिर सबसे विद्वान बच्चा है और इसको ये पाठ कैसे याद नहीं हुआ। गुरु द्रोण कहते हैं कोई बात नहीं, कल याद करके लाना। कल भी याद नहीं हुआ। ऐसे करते करते 15 दिन हो गए। 15 दिन तक युधिष्ठिर को वो सत्य नाम का पाठ याद नहीं हुआ। तो एक दिन गुरु द्रोण ने उस युधिष्ठिर को अकेले में बुलाकर पूछा कि क्या बात है युधिष्ठिर, तुम्हारे सारे भाई ने वो सत्य नाम का पाठ दूसरे दिन याद कर लिया और आज तुम इतने बड़े विद्वान हो फिर भी तुमको ये पाठ याद नहीं हो रहा, आज 15 दिन हो गए। तो युधिष्ठिर ने गुरुदेव से क्या कहा पता है आपको? युधिष्ठिर ने गुरु द्रोण से कहा कि गुरुदेव अगर सत्य नाम का पाठ खाली याद करना होता तो मैं भी आपको तुरंत याद करके सुना देता, लेकिन गुरुदेव आपने साथ में एक बात यह भी कही थी कि सत्य नाम का पाठ याद करना और उसको आत्मसात भी करना, तो गुरुदेव उसको आत्मसात करने में मुझे दिक्कत हो रही और जब तक उस सत्य नाम के पाठ को मैं आत्मसात नहीं कर लेता हूं तब तक मैं आपको कैसे सुना सकता हूं। तो गुरु द्रोण बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर वाकई में तुम सभी भाइयों में सबसे बड़े विद्वान हो और आगे चलकर तुम सत्य के राजा बनो। और वही हुआ, युधिष्ठिर आगे चलकर धर्म राज बने, कभी उन्होंने असत्य नहीं बोला। तो ये होता है, उपदेश देना तो अच्छी बात होती है, तेरे को ये करना चाहिए, तेरे को वो करना चाहिए, तू ये कर ले, तेरे को ये कर ले। अरे यार सबसे पहले खुद तो फॉलो करो, खुद फॉलो करोगे तो ही आप दूसरों को उपदेश दे सकते हो। तो आप सब लोग भी देख लेना, अगर आप किसी को राय दो ना तो जब तक फॉलो नहीं करो ना तो दूसरों को कोई राय मत देना, वरना वो राय आपकी व्यर्थ जाएगी, क्योंकि आप तो फॉलो ही नहीं करते हो और दूसरों को उपदेश दे रहे हो। तो सबसे पहले अच्छी बातें खुद फॉलो करना, फिर दूसरों को कहना।